नेक्स्ट क्वेश्चन दुटा पॉइंटर मजर डिस्टेंस कैलकुलेट करिबोले दिया हुई एतिया एखिनिते आमि फर्मुला तो जानिबो लागिबो जिकुनो दुटा पॉइंट जदि एक्स वन वाई वन आरु एक्स टू वाई टू होय तेतिया होले हिहतर मजर डिस्टेंस सदाय रूट ओभार एक्स टू माइनास एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनास वाई वन होल स्क्वायर ए धरणे बुजुआ होय एतो एटा फर्मुला होय तो इयाते साम आमार क्वेश्चन तो दिया पॉइंट केटा होल 2.3 एंड माइनास टू माइनास थ्री होय तो एटा ए फर्मुला तो आमी बहाम रूट ओभार इयात सोआ एक्स टू माने पिसर पॉइंट टुर एक्सर वैल्यू इयात आसे माइनास टू तो इयाते आमी माइनास टू बहाम माइनास सिन आसे आरो एक्स वान वैल्यू टू होल स्क्वायर प्लस वाई टूर वैल्यू माइनास थ्री माइनास सिन हब आरो वाई वान वैल्यू हल थ्री होल स्क्वायर होय तो एतिया माइनास टू करिले हब माइनास फोर स्क्वायर प्लस माइनास थ्री हले माइनास सिक्स स्क्वायर होय तेतिया हले माइनास फोर स्क्वायर करिले हब सिक्सटीन स्क्वायर माइनास टू नाइकिया हो जाए प्लस माइनास सिक्स स्क्वायर करिले हब थार्टी सिक्स तो आमी इयार परा एन्सार तो किमान पाम रूट ओभार फिफ्टी टू गति के आमार करेक्ट ऑप्शन तो हल ऑप्शन नम्बर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 125 इयात खुदिसे द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी टू माइनास थ्री एंड क्यू टेन वाई इज ए क्वेश्चन तो असलते अकमान भूल हो गल साधारण एनेकुआ क्वेश्चन कि थके तारे डिस्टेंस तो दिया थके और वायर बा एक्सर वैल्यू कैलकुलेट कर लगे किन्तु इयाते डिस्टेंस तो दिया ना थाकिले तो एतो कैलकुलेट करिब परा ना जाबो ए क्वेश्चन तो कारणे सकलुके मार्क्स दिया हबो नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट फर्मुला होय इयात कइसे द कोऑर्डिनेट्स अफ द मिड पॉइंट पी अफ द लाइन जॉइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इज जिकुनो दुटा पॉइंट एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टूरे जदि रिप्रेजेंट करा हय हिहतर जॉइन करा लाइनर मिड पॉइंटर कोऑर्डिनेट सदाय एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू हय जितु होल आमार ऑप्शन नम्बर बी नेक्स्ट क्वेश्चन तो आमाक खुदिसे माइनास वन सेवेन और फोर माइनास थ्री ए पॉइंट दुटाक जॉइन करा लाइन डालक टू इज टू थ्री रेशियोत भाग करा पॉइंट टुर कोऑर्डिनेट किमान तो यार कारणे एटा फर्मुला आछे जदि जिकुनो दुटा पॉइंट एक्स वन वाई वन आरु एक्स टू वाई टू हय आरु किबा एटा पॉइंटे जदि ए पॉइंट दुटा जॉइन करा लाइन डालक एम वन इज टू एम टू रेशियोत भाग करे तेतिया होले हे पॉइंट टुर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करा हय ठीक ए धरणे एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इतिया आमाक दिया क्वेश्चन टुर पॉइंट केटा होल एक्स वन वैल्यू माइनास वन वाई वन वैल्यू होल सेवेन एक्स टुर वैल्यू फोर वाई टुर वैल्यू माइनास थ्री आरो रेशियो तो दिसे टू इज टू थ्री होयने तो एतिया आमी जस्ट ए फर्मुला तुत पुट करिले होल एम टू गतिके थ्री इंटू एक्स वान वैल्यू होल माइनास वन प्लस एम वान टू इंटू एक्स टुर वैल्यू होल फोर डिवाइडेड बाय एम वान प्लस एम टू गतिके टू प्लस थ्री ठीक सेदरे एम टू थ्री इंटू वाई वान वाई वान वैल्यू हल सेवेन प्लस एम वान टू इंटू वाई टू वाई टुर वैल्यू हल माइनास थ्री और इफाले टू प्लस थ्री तो एक कटाके आमी उलियाई दिले हल थ्री इंटू माइनास वान करिले माइनास थ्री प्लस टू फोर जा एट डिवाइडेड बाय फाइव ट्वेंटी वान प्लस ए माइनास माइनास सिक्स बाय फाइव
लास्ट टाइम की पाम 5/5 और फले 15/5 तो हमें पॉइंट टू कोऑर्डिनेट पाम गे 1, 3 तो ये तो ऐसे हमार ऑप्शन नंबर 8 को दिखे करेक्ट ऑप्शन तो होल ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन साइन 60 डिग्री वैल्यू तो खुदी से यार करेक्ट ऑप्शन तो होल ऑप्शन बी √3/2 नेक्स्ट 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30 यार वैल्यू तो उलिया बोले दिसे तो ये तो हमें साउ की करीबो पड़ा जाए 2 10 30 1 + 10² 30 यार जगत अमी 6² 30 पुट करीबो पड़ो क्यों कारण है अमी ये तो फॉर्मूला पाई सिलो ट्रिगोनोमेट्री 1 + 10² θ इक्वल टू 6² θ है तो यहाँ तो थीटा बने 30 डिग्री 1 + 10² 30 जगह 6² 30 अमी पुट करीब पारो ए फॉर्मूला तो यूज करी इसे अमी वैल्यू पुट करी 2 × 10 30 वैल्यू अमी जानो 1/√3 है अरु 6 30 वैल्यू होल 2/√3 किंतु 6² असे तो अमी होल स्क्वायर करीब लेब तेजे होले सो ऊपर न्यूमरेटर की हो जब 2/√3 आरो स्क्वायर करी ले की होगा 4/√3 है ने तेजे होले रेशियो तो उल्टा हो जब 2/√3 आरो डॉलर तो उल्टा हो गले की हो जब ओ माय सिली मिस्टेक ऐटा करी दिसो स्क्वायर करी दिले रूट टू ना थके 4/3 होगा है ने तो तेजे होले डॉलर रेशियो तो उल्टा हो जब 3/4 हो जब जो दिया मी इनटू करी दियो এতে আমি ক্যানসেলেশন করিম 2 রে 4 ক দুবার আমি কাটিব পারো হয় নে আর √3 রে যেটি 3 ক্যানসেল করো 3 টু আমি √3 × √3 বলে লিখিব পারো হয় নে তো এটা √3 রে এটা কাটি দিব পারো তো আলটিমেটলি আমার অ্যানসার তো হবে গই √3/2 তাই √3/2 টু আমার সাইন 60 ভ্যালু হয় গটিকে আমাৰ এটো কোনটো অপচনত আছে বাৰু অপচন নম্বৰ এ নেক্সট কোৱেশ্চনটো সুধিছে sin 2a = 2 sin a এটো কেতিয়া শুদ্ধ হ'ব তাৰ মানে a ৰ ভ্যালু কি হলে a sin 2a = 2 sin a হ'ব তো ইয়াৰ কৰাৰ টেকনিকটো হলে এনেকুৱা sin 2a 2 sin a টো যদি এফালে লৈ আহো -2 sin a তো আমি ইকুৱেল টু 0 লিখিম হয় নে এতিয়া এটা ফৰ্মুলা জানো sin 2a equal to 2 sin a into cos a হয় এটা ফৰ্মুলা হয় sin 2a ৰ ভ্যালু সদায় 2 sin a cos a হয় -2 sin a equal 0 তো ইয়াৰ পৰা 2 sin a কমন আহিব তে থাকি যাব আমাৰ cos a -1 equal to 0 যেতিয়া দুটা টার্ম মাল্টিপ্লাই করলে 0 হলে অ্যানসারটো দ্যাট মিন্স কি হ'ব পাৰে হয় sin এর ভ্যালুটো 0 হ'ব লাগিব 2 2 টো 0 হ'ব নোৱাৰে অর cos a -1 এ ভ্যালুটো 0 হ'ব লাগিব এতিয়া sin এর 0 ভ্যালু কেতিয়া পাও sin 0 ত পাও তার মানে আমি a এর ভ্যালু কি পাম 0 ডিগ্রি ঠিক তেনেকে এফালৰ কন্ডিশনটো আমি চাও সলভ কৰি cos a equal to ifale gole +1 hoy jabo cos or value 1 ketia hoy cos 0 degree yar pora ami ki paisu a er value 0 degree gotike dui ta condition ote ami ki palu a er value hol 0 degree jitu hol amar option number c